अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी हैव टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इज एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी चार्जेस इट्स रेजिडेंशियल कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द टैरिफ एज बिलो। आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपने पाइथन प्रोग्राम राइट करना है, यानी 7.74 पर यूनिट किलोवाट पर आवर फॉर द फर्स्ट 10 यूनिट्स देता है, और नेक्स्ट जो 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स की बात हो रही है, नेक्स्ट 100 यूनिट्स के लिए जो कि 101 से 200 तक आपको इतना पे करना पड़ता है। नेक्स्ट यूनिट्स यानी नेक्स्ट 100 से इस नेक्स्ट जो 100 होते हैं, यानी पहले 200 तक था, अब 201 से 300 अगर यूनिट्स होते हैं, इसके दरमियान होते हैं, तो आपको इतनी अमाउंट पे करनी होती है। लेकिन अगर आपके नेक्स्ट 400 यानी 300 से अबव अगर 400 करें, मींस 301 टू 700 के मिड में अगर यूनिट्स हैं, तो इतना चार्ज होगा आपको 19.55। और अगर यूनिट्स आफ्टर 700 यानी 700 से अबव जितने भी यूनिट्स होंगे, तो उस पर आपको चार्ज होगा 22.65 पर यूनिट। इसके लिए आपने राइट करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड। पहले तो यूज़र से इनपुट करवाने हैं आपने यूनिट्स जितने कंज्यूम किए हैं, देन फाइंड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और चार्जेस आपने फाइंड करने हैं। इस टाइप का हमने पहले भी प्रोग्राम किया है जब हम चैप्टर कर रहे थे ये वाला। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन राइट दिस प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर की बिल्ट इन एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रही हूँ। मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा था पाइचाम यूज़ कर लें, गूगल कोलैब यूज़ करें, या जो भी आईडी आप पाइथन के लिए आपको अवेलेबल है या इजी लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसे लॉन्च करना है, तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसमें आपने न्यू में जाना है, पाइथन 3 को क्लिक करना है, इंटरफेस ओपन होगा, देन आपने क्या करना है, अपना कोड राइट करना है। यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को शो करवा दे, तो वन बाय वन समझा भी देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना था, क्योंकि यूज़र से इनपुट क्या करवाने हैं, यूनिट्स करवाने हैं, ठीक है। आस्क द यूज़र टू एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड, तो उसके लिए आपकी मर्ज़ी है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप वेरिएबल ले लें अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल, राइटिंग वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल यानी आपने राइट करने के रूल्स भी ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको देखते हुए आप कोई भी वेरिएबल का नेम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपली यूनिट्स यूज़ किया है, और यहाँ पर इनपुट का फंक्शन आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड। और यहाँ पर इंट क्यों यूज़ किया है, इंट इसलिए यूज़ किया है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके इंटीजर वैल्यू होगी, नॉट फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल वैल्यू, ओनली इंटीजर ही यूज़र एंटर कर सकता है। यहाँ पर आ जाएं, आपने इफ़ एलिफ एल्स जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर यूज़ करना है सिलेक्शन के लिए, बिकॉज आपके पास मल्टीपल कंडीशंस गिवन है कि डिफरेंट कंडीशंस पर डिफरेंट रेट्स अप्लाई हो रहे हैं, तो इसके लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और इसको राइट करने का क्या वे है, इफ़ कंडीशन लगाते हैं और कॉलन करते हैं, कॉलन राइट करते हैं, देन अपने जो भी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी है वो राइट करते हैं। यहाँ पर इफ़ यूनिट्स आपके पास क्या थे, इफ़ यू पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स, अगर यूनिट्स 100 या उससे कम हैं, इफ़ यूनिट्स लेस देन और इक्वल टू 100 हैं, देन चार्जेस उसने क्या कहा था, 7.74 होंगे। तो मैंने चार्जेस एक वेरिएबल ले लिया, उसमें स्टोर करवा दिया 7.74। एल इफ़, लेकिन अगर चलें ये होगा दूसरी कंडीशन, यानी मल्टीपल इफ़ कंडीशंस हैं आपके पास, तो यूनिट्स नेक्स्ट उसने क्या कहा था हमें, नेक्स्ट 100 यानी नेक्स्ट 100 यूनिट्स, यानी यूनिट्स फ्रॉम 101 यानी ग्रेटर देन 100 बट लेस देन और इक्वल टू 200 यूनिट्स हैं। तो ये कंडीशन क्या है, यूनिट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी 101 आप कर सकते हो या ग्रेटर देन 100 कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर ग्रेटर देन 100 भी लिखा जा सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 101 भी लिख सकते हो, एंड यूनिट्स लेस देन और इक्वल टू 200। एंड का आप लोगों को पता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना यानी ट्रू होना लाजमी है। दोनों में से अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ तो लेस देन इक्वल टू 200 की लिमिट उसने नहीं देखी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ये जो चार्जेस है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो चार्जेस उसने क्या कहा था कितने होंगे, 10.06 होंगे, ठीक है, 10.06 चार्जेस इज इक्वल टू 10.06। एल इफ़ यूनिट्स उसने का नेक्स्ट 100 यूनिट्स कहा था, तो 200 तक गए, 201 के इक्वल या ग्रेटर देन हो, और उसने कहा था 300 तक हो, ये देख लें, ठीक है, तो चार्जेस कितने होंगे, 12.15 रुपीस होंगे। तो यहाँ पर चार्जेस इज इक्वल 12.15। एलिफ यूनिट्स नेक्स्ट उसने कहा था 400 के लिए, तो 301 टू 701 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 701 एंड
लेस देन और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाए 700 आ गया, ठीक है। चार्जेस आपके पास 19. क्या थे 55 आ गए। एल्स पार्ट है यानी अगर 700 तक करने के बाद उससे ज़्यादा हो तो इसको एल्स पार्ट में राइट करेंगे तो आपके यूनिट 22.65 होंगे। एल्स पार्ट में चार्जेस इज इक्वल टू 22.65। तो ये हमने स्टेटमेंट्स राइट कर ली, प्रिंट करवाना है। अब हमने एक कंडीशंस को, आप लोगों को पता है डबल कोटेशन में जो राइट किया होता है वो एज इट इज़ आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर, ये एज इट इज़ स्ट्रिंग दिखाई देगी, कोमा अब यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स ये वाला वेरिएबल पास करना है, रेफरेंस यानी आइडेंटिफाई राइट करना है, ये यूनिट्स यानी ये यूनिट ये वाला, ठीक है, ये यूनिट्स हैं जो कि यूज़र ने जो भी यूनिट्स एंटर किए हैं वो इसमें स्टोर हो गए हैं, इस वेरिएबल में तो स्टोर हो गए हैं। तो इस यूनिट्स को यहाँ राइट करूँगी कि जो भी यहाँ पर जितने भी यूनिट्स यूज़र ने एंटर किए होंगे वो यहाँ शो होंगे। देन इन्वर्टेड कॉमा यूनिट्स आर रुपीज़ में, हमारे पास ये स्ट्रिंग एज इट इज़ शो होगी। अब रुपीज़ कितने कितने बताए हैं, किस में स्टोर करवाए हैं, वो हमने करवाए हैं चार्जेस वेरिएबल में, तो यहाँ पर चार्जेस का जो वेरिएबल आइडेंटिफायर या रेफरेंस है वो पास करेंगे। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट हमारी जो कंडीशन थी वो थी लेस देन और इक्वल टू 100 हो, हम सपोज़ करें 80 यूनिट्स करते हैं, दैट इज़ लेस देन 100, तो हमारे पास देखें चार्जेस क्या आने चाहिए थे, 7.74। तो देखें मैंने कहा था जो यूनिट्स यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे और यूनिट्स और रुपीज़ हमारे पास यहाँ पर, जो कि चार्जेस हमारे पास है 7.74 आ गए, ठीक है। सेम इसी तरह से दूसरी कंडीशन को हम करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यहाँ पर रिस्टार्ट करें और क्लियर कर दें आउटपुट अपनी। नेक्स्ट आउटपुट हमने करनी है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स चलें जी, हम करके देखते हैं दूसरी कंडीशन से क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 101 और लेस देन 200। आप 101 करके देख लो या 200 से पहले 185 या 75 करके देख लो, तो आपके पास देखें यहाँ पर यूनिट्स आए हैं 10.06। कितने यूनिट्स एंटर किए यूज़र ने, 175। तो देखो 175 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर वो यूनिट्स होंगे शो जो आप एंटर करोगे, तो यहाँ पर चार्जेस आपके पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया। देन हम देखते हैं 201 हो या 201 से अबव बट 300 से बिलो हो, तो 201 करके देखते हैं हम, तो हमारे पास देखें 12.15 चार्जेस शो हो रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हो। इसी तरह से आप नेक्स्ट कंडीशन भी कर सकते हो, 301 के इक्वल या ग्रेटर हो या 700 के करीब हो, मैं 650 करके देख लेती हूँ, तो ये देखो ये हमारे पास चार्जेस 19.55 आ जाएगा। अब हमें कहा गया था कि चार्जेस अगर तो ग्रेटर देन 700 होते हैं तो हमें क्या शो कर, सॉरी अगर यूनिट्स ग्रेटर देन 700 होते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, 700 से अबव मीन्स 860 कर देती हूँ, तो हमारे पास हमें कहा गया था चार्जेस क्या रिप्रेस शो करे, 22.65। ये देख लो मोर देन 700 है आपके पास चार्जेस दिया गया। सो वी हैव कम्प्लीट आवर टुडेज प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।